हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एसएससी सीजीएल 2022 मेंस एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है, 2, 3, 6 एंड 7 को जो मेंस हुआ था उसका आंसर की रिलीज हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने चेक नहीं किया है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं अपना स्कोर भी शेयर करूंगा एंड रफली एक कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं, मिनिमम कट ऑफ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये रहा मेरा स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पे। यहाँ से आप मेरा पर्सनल डिटेल्स देख पा रहे होंगे, मेरा नेम एंड जो मेरा एग्ज़ाम का डेट था एंड रोल नंबर एंड जो वेन्यू AN शिक्षा समिति सीकर राजस्थान में था। सो यस, एंड बाकी अगर मेरे स्कोर के बारे में बात करें तो ये रहा मेरा स्कोर आपके सामने। मैथ्स में मैंने 30 में से 25 अटेम्प्ट किया था, जिसमें कि 21 करेक्ट हुआ एंड 4 रॉन्ग हुआ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2 या 3 गलत, तो ठीक है 4 गलत हुआ तो एक्सपेक्टेड था। एंड मेरा जो मैथ्स में जो मार्क रहा वो 59 मार्क्स रहा। रीजनिंग में मैंने 30 अटेम्प्ट किया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑल करेक्ट, बट यहाँ पे मेरा 4 गलत हो गया एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस सेक्शन, क्योंकि मैं अभी तक जितने एग्ज़ाम्स दिया हूँ सारा में मेरा रीजनिंग में फुल स्कोर रहा है एंड ये एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसी में 4 गलत हो गया। तो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड इसमें मेरा 74 मार्क्स आया ओनली। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में एज एक्सपेक्टेड मेरा मॉक में भी ऐसा ही स्कोर आ रहा था। 45 क्वेश्चन में से मैंने एक स्किप किया था, 39 मेरे राइट हुए एंड 5 रॉन्ग हुए एंड जो 135 से स्कोर था मेरा 112L है। बाकी जीके के बारे में बात करें तो इसमें मेरे को पहले से ही काफ़ी डर लग रहा था एंड वो डर जायज़ भी था एंड वो उसका डर का रीज़न आपको मेरे स्कोर कार्ड में दिख रहा होगा। 25 में से मैंने 17 अटेम्प्ट किया था, जिसमें कि ओनली 6 करेक्ट हुए एंड 11 गलत हो गए। बाकी मैंने 8 स्किप किया था, तो टोटल आफ्टर डिडक्शन मेरा ओनली 7 मार्क्स आया है इस सेक्शन में। अगर ये थोड़ा बहुत भी ठीक चला जाता, 20 मार्क्स या 25 मार्क्स भी आ जाता इस सेक्शन में, तो मैं एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच जाता, बट जीके मेरा सारा ही गेम ख़राब कर दिया। बाकी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो अगेन कंप्यूटर वाज टफ एंड मैंने 20 का 20 अटेम्प्ट कर दिया था इसमें रिक्स लेके, तो उसमें से 11 सही हो गए एंड 9 गलत हुए। तो टोटल आफ्टर डिडक्टिंग जो मेरा स्कोर बना कंप्यूटर सेक्शन में तो 24 बना। एंड बाकी अगर मेरे ओवरऑल स्कोर के बारे में बात करें तो यहाँ से 276 मार्क्स मेरा पॉजिटिव स्कोर है, बट उसको नेगेटिव को डिडक्शन के बाद मेरा जो स्कोर बन रहा है वो 252 मार्क्स बन रहा है। एंड मेरा कैटेगरी EWS है, तो ओवरऑल में भी मेरा स्कोर बाउंड्री पे है एंड कंप्यूटर में हाईएस्ट स्टैंडर्ड मांगा है तो उसमें भी मेरा स्कोर बाउंड्री में है। अब सब कुछ नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है एंड एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि बाकी सब कोई का स्कोर कैसा रहा। अभी तक तो मैं काफ़ी लोगों से डिस्कस नहीं किया हूँ कि कैसा उनका स्कोर रहा, कंप्यूटर का स्कोर रहा या फिर ओवरऑल क्या स्कोर रहा। बाकी जो एनालिसिस आएगा शुभम जैन सर इसका बढ़िया एनालिसिस करेंगे, तो उसी में पता चलेगा कि ये स्कोर कैसा है एंड फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं इतने में। बाकी आई थिंक मैं इसमें बाउंड्री पे हूँ ओवरऑल में भी एंड कंप्यूटर में भी एंड जो एक्सपेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रह सकता है UR का फॉर पोस्टल असिस्टेंट वो 260 मार्क्स ही रहेगा। सो यस, एंड बाकी आपके शिफ्ट में अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा होगा पिंड में, तो वहाँ से आप जाके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके शिफ्ट में कोई भी अगर रॉन्ग क्वेश्चन आपको मिला तो आप अपने शिफ्ट वालों से जाके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से मैंने कंप्यूटर का भी स्कोर पूछा हुआ था, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। बाकी इक्वली है बिलो 18 या फिर 18 to 24, चारों इक्वली है। तो अभी इसका कह पाना कि कंप्यूटर का हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो एसएससी सेट करेगी वो कितना रहेगा वो कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी जब तक आरबी का एनालिसिस नहीं आ जाता है तब तक कुछ आइडिया नहीं मिलने वाला है कंप्यूटर का हाईएस्ट स्टैंडर्ड का कट ऑफ क्या रहेगा। बाकी अगर आपके शिफ्ट में कोई रॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आके यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको डिस्कशन का टैब मिलेगा, तो यहाँ से आपको आप ही के जैसे एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे काफ़ी, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपका कौन सा शिफ्ट था एंड कौन से शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब कुछ आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सब कोई ने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो जो भी आपको डाउट है या फिर डिस्कशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।